दोस्तों इंडिया में आज के टाइम बहुत बड़े बड़े इंफ्रा के मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट खास है और सभी का अपना अपना रोल है, लेकिन कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनके बिना इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता। आज के टाइम हम ऐसे तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिनके पूरा होने के बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। ये तीन मेगा प्रोजेक्ट भारत के एक्सपोर्ट को $400 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन कर सकते हैं कुछ सालों में, क्या पता ये इससे भी आगे ले जाए। ये तीन मेगा प्रोजेक्ट है भारतमाला, सागरमाला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आज ही मैं आपको भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंडिया के लिए इतना खास क्यों है? ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक के अधिकारी भी बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, इस प्रोजेक्ट से क्या क्या फायदे होंगे और इस प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, ये सब आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? ये अभी के फ्रेट ट्रांसपोर्ट से कैसे अलग है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसा इसके नाम से पता चलता है, यह फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कॉरिडोर है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेट के लिए डेडिकेटेड है। यानी इस कॉरिडोर में सिर्फ फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए ही ट्रेन का एक्सेस होगा। अभी क्या होता था, हमारी रेलवे एक लाइन पे जिसपे पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन दोनों एक साथ चलाती थी, और इस दोनों ट्रेन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, ऑब्वियस सी बात है पैसेंजर ट्रेन को। और पैसेंजर ट्रेन के फर्स्ट एक्सेस की वजह से फ्रेट ट्रेन को घंटों का इंतजार करना पड़ता था, और इनकी स्पीड भी एवरेज 30 से 50 किलोमीटर पर आवर तक ही होती थी। इसी वजह से फ्रेट को टाइम मनी दोनों का नुकसान उठाना पड़ता था। इससे आपको एक अंदाजा तो मिल गया होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को क्यों बना रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए हम सभी फ्रेट ट्रेन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और जो अभी का एग्जिस्टिंग नेटवर्क है रेलवे का, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के काम में रुकावट नहीं बनेंगे। इससे पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन दोनों का टाइम और पैसा सेव होगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट हम इंडिया में पहली बार बना रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास कुछ खास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट को इसके डिजाइन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन में शामिल किया है। जितने भी ओल्ड मेथड थे उनको नई तकनीक से रिप्लेस किया गया है, जैसे कि ट्रैक बनाने के लिए फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन का यूज किया जा रहा है। इससे काम की स्पीड 5 गुना बढ़ जाती है और वर्क फोर्स 3 गुना कम हो जाता है। ओवरहेड वायरिंग टेलीकम्युनिकेशन के काम को भी फुल्ली मैकेनाइज्ड किया गया है। ड्रोन का भी यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के काम को मॉनिटर करने के लिए। वर्ल्ड बैंक के सीनियर ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट अतुल अग्रवाल का कहना है, ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के लिए पहला बड़ा विस्तार है जो रेलवे सेक्टर के लिए एक बोल्ड न्यू चैप्टर है। वहीं वर्ल्ड बैंक के एक और अधिकारी मार्था लॉरेंस का कहना है, ये इनिशिएटिव एक गेम चेंजर साबित होगा भारतीय ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, जो इंडिया को ग्रीनर ग्रोथ की ओर ले जाएगा। इसमें पोटेंशियल है टू मेक इंडिया ए फ्रंट रनर इन रेल फ्रेट ऑपरेशंस। मैं आपको इसके बेनिफिट और इम्पैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। जब ये बनके रेडी होगा और हम इसको फुली तरह से ऑपरेट करने लगेंगे, तब भारत 13-15% जीडीपी के बराबर लॉजिस्टिक कॉस्ट को बचा लेगा। भारत के जीडीपी में साइज के हिसाब से 15% बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिसको हम सेव करने वाले हैं, और जब ऐसा होगा तो भारत आराम से 8-10% की ग्रोथ को आसानी से हासिल कर लेगा। अगर सिंपली कहे तो हम $5 बिलियन सेव करने वाले हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट का। इससे हमारे सड़कों पे एवरेज 72 ट्रकों का लोड कम होगा। इससे रोड पे कंजेशन की समस्या भी कम होगी, जो लगभग 60% है कंट्री के टोटल फ्रेट लोड का। जब ऐसा होगा तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा डीजल कंजप्शन पे, जिसको अभी हम भारी मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं। इससे न सिर्फ भारत का पैसा बचेगा जो बाहर चला जाता था, बल्कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये एक बेनिफिट का चेन बन जाएगा, जहाँ पे एक बेनिफिट में बहुत से बेनिफिट छुपे हुए हैं। जैसा कि कहावत है, एक तीर से 2 निशान है, लेकिन यहाँ पे एक साथ एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए जा रहे हैं। अभी एक स्टेशन मास्टर हुआ करता था जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था, लेकिन प्रयागराज में इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर होगा जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस तरह का सेंटर न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के कुछ बड़े कंट्रोल सेंटर में से एक होगा। इस कॉरिडोर पे जो ट्रेन चलेगी वो 6000 टन के फ्रेट को पुल करेगी 75 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इतने बड़े काम के लिए पुराने ट्रेन इंजन की जरूरत नहीं है।
वो ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कर रही है, जिसको मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाया जा रहा है, माधेपुरा बिहार में। इस प्रोजेक्ट से भारतीय कंपनियों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो इसका यूज कर सकते हैं विदेशों में इस तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए। अब मैं इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की बात करने वाला हूँ कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। साल 2005 में इंडिया ने जापान के साथ मिलकर अनाउंस किया कि हम साथ में मिलकर ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है, जापान ने हमारा साथ हमेशा दिया है, वो चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हो या बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। भले ही उनका इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन फिर भी जापान ने हमेशा से इंडिया की हेल्प की और कर भी रहा है। जापान के इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2006 में स्टडी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाती है और कैबिनेट इसके लिए टास्क फोर्स को अप्रूव कर देती है। प्रोजेक्ट के लिए 28,181 करोड़ रुपए की भी मंजूरी मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंपनी का गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर को एक साथ बिल्ड करना चालू कर देती है 3 फेजेस में। जो इसके फेज 1 का काम था उसको 2009 में शुरू किया जाता है 105 किलोमीटर के लिए सोननगर टू मुगलसराय। आपको बता दूं कि 2014 से पहले सरकार किसी बड़े काम को करने के लिए 5 ईयर का प्लान बनाती थी और 2007-12 के 5 ईयर प्लान में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया था। अगर इसके स्टेटस की बात करें तो अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी लेंथ 1504 किलोमीटर की है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी लेंथ 1873 किलोमीटर की है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको कुछ सेक्शन में ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो दादरी से स्टार्ट होता है और खत्म होता है जेएनपीटी नवा सेवा तक, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो लुधियाना से स्टार्ट होता है और खत्म होता है दनकुनी में। इसके अलावा 4 और कॉरिडोर है जो अभी प्लानिंग स्टेज में है। इनमें सबसे बड़ा रूट है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी लेंथ होने वाली है 2000 किलोमीटर की, जिसको 2021-22 के बजट में भी अनाउंस किया गया है, जो दानकुनी से स्टार्ट होगा और पालघर में खत्म होगा। इसके बाद है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 975 किलोमीटर का, इसको भी 2021-22 के बजट में अनाउंस किया गया है, जो विजयवाड़ा से स्टार्ट होगा और इतरसी में खत्म होगा। अगला नंबर आता है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर 1115 किलोमीटर, इसको भी 21-22 के बजट में अनाउंस किया गया है, ये खड़गपुर से स्टार्ट होगा और विजयवाड़ा में एंड। एक और कॉरिडोर है जिसको अभी प्रपोज किया गया है, यह है सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 892 किलोमीटर का, जो मडगांव से स्टार्ट होगा और चेन्नई में एंड होगा। इनमें से जो ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके लिए सरकार ने एरियल सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है, जल्द ही इसका भी DPR बनाकर सरकार को सौंप दिया जाएगा, फिर सरकार इसके लिए फंड एलोकेट करेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट भारत का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके बनने से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो इसी नोट के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।